हेलो एंड वेलकम दोस्तों डिफाइंड इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। अगर आपने आपको पता नहीं भाई कि SDT क्या होता है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता आप डायरेक्टली इस वीडियो में आके कूद पड़े हो टू अंडरस्टैंड भैया एस एट्रीब्यूटेड SDT एंड एल एट्रीब्यूटेड SDT। अगर आपको SDT पता नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इनहेरिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो सवाल अगर इनका जवाब आपके पास नहीं है तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो। आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, उसने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखे और उन सारे वीडियोस की लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पहले उसे देख लीजिए, उससे समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, एग्जांपल के साथ काफी आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि जिंदगी भर वो आपके दिमाग में फीड हो जाए कि आखिर ये सारी चीजें होती क्या है। एक बार अगर वो सारी वीडियोस आपने देख ली और फिर यहां पे जब आप आओगे तो भाई इट विल बी वेरी इजी टू you for understand this and very easy for me to make you understand this। तो काफ़ी आसान हो जाएगा कि भाई आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना, ये काफ़ी आसान प्रोसेस हो जाएगी। जो भी अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, अगर वो वीडियोस आप देख लेते हो तो आप बड़ी आसानी से इस कंटेंट के साथ, मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स उसे पहले देख लीजिए फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे शुरू करते हैं, एस एट्रीब्यूटेड SDT, एल एट्रीब्यूटेड SDT, ठीक है। ये दो आप ऐसे क्लासिफिकेशन समझ सकते हो SDT के बेस्ड ऑन दिस। तो अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बराबर, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एस एट्रीब्यूटेड SDT में हम सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। अब ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये एक मेरा प्रोडक्शन है बराबर। तो यहाँ पे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में क्या होता है, जो आपका पेरेंट है ओके, जो आपके LHS साइड पे लाइक दिस, ये जो A है और ये B है, ये C है, ये D है बराबर। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरीके से पेरेंट और ये चिल्ड्रन हुए। तो जब आपका पेरेंट BCD उसके चिल्ड्रंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरीके से व्हेन A's एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन B's एट्रीब्यूट, C's एट्रीब्यूट एंड D's एट्रीब्यूट, तब ऐसे को हम कहेंगे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है भाई वो। समझ में आया, ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। व्हेन द पेरेंट कैन टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम द चिल्ड्रंस ओनली, फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन ओनली, तो उसे बोलेंगे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। तो ऐसा जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है वो आपको एस एट्रीब्यूटेड SDT में देखने को मिल जाएगा बराबर। और एल एट्रीब्यूटेड SDT क्या है, यहाँ दोनों चलते हैं, बोथ चलते हैं, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ये दोनों के दोनों आपको एल एट्रीब्यूटेड SDT में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन विद अ स्मॉल ट्विस्ट, विद अ स्मॉल रिस्ट्रिक्शन, विद अ स्मॉल रिस्ट्रिक्शन। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, सिंथेसाइज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है या इनहेरिटेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के ऊपर है। अब वो क्या है वो अभी जरा समझते हैं यहां पे। तो बेसिकली इनहेरिटेड एट्रीब्यूट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस प्रोडक्शन बराबर। तो यहां पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज नथिंग बट सिंपली एट्रीब्यूट ऑफ अ नॉन टर्मिनल जो कि आपका प्रोडक्शन के RHS में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये C को पकड़ता हूँ बराबर, ये भी एक नॉन टर्मिनल है जो कि RHS ऑफ द प्रोडक्शन रूल में। तो भाई ये अगर मैं C पकड़ता हूँ तो ये जो C है एक तरीके से ये अपने पेरेंट से वैल्यू ले सकता है यानी A से ले सकता है, ये अपने सिबलिंग से भी वैल्यू ले सकता है यानी B और D से भी वो अपनी वैल्यू ले सकता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट वी कॉल इट एज अ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो यानी वो अपने पेरेंट से ले सकता है वैल्यू, वो अपने सिबलिंग से ले सकता है। अब वो सिबलिंग लाइफ लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकती है बराबर, लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पे सी जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसके जो लेफ्ट साइड में जो भी है, तो लेफ्ट साइड में उसके कौन कौन हो सकता है, लेफ्ट साइड में उसके सिबलिंग हो सकता है, लेफ्ट साइड में उसका पेरेंट हो सकता है, तो उन्हीं से उसको अभी अपनी वैल्यू लेनी है। कहने का मतलब यह है कि वॉट एवर द सिबलिंग्स एट द राइट हैंड ऑफ द सी, इट कैन नॉट टेक द वैल्यू फ्रॉम देम बराबर। तो सी के जो राइट हैंड साइड में जो भी है उसे भूल जाओ, उसे नजरअंदाज करो, उसे इग्नोर करो, उसे मतलब डोंट केयर अबाउट दैट वॉट एवर इज देयर। बस सी के जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है यानी एक पेरेंट है और एक सिबलिंग है जिसे हम बोलेंगे लेफ्ट सिबलिंग ऑफ सी। तो भैया इन दोनों के एट्रीब्यूट्स पे ही आपका सी का एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है। एक तरीके से जो सी है इट डिपेंड्स फॉर इट्स वैल्यू ऑन लेफ्ट सिबलिंग बी एंड पेरेंट ए। ये है हमारा रिस्ट्रिक्शन, दैट इज लेफ्ट साइड ओनली। ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाया गया है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जैसे कि अभी आप यहाँ पे आप देखोगे सी जो है वो उसकी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, बी से ले रहा है, तो ये अलाउडेड है, दिस इज अलाउडेड। क्यों, बिकॉज सी के लेफ्ट साइड में बी है,
सी का जो लेफ्ट सिबलिंग है वो बी है, तो भाई बी से जो है वो सी अपनी वैल्यू ले सकता है बराबर। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कतई गलत है, वो बहुत गलत है। क्या है ये गलत स्टेटमेंट है? क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि भाई जो सी है वो यहाँ पे डी से वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा है। ये तब तक सही है जब मैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, यही आपको देखने को मिलेगा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में। लेकिन जब ये रिस्ट्रिक्शन लग जाता है लेफ्ट साइड ओनली, तो उसमें ये गलत हो जाता है बराबर, उसमें ये गलत हो जाता है। क्योंकि डी जो है वो सी का राइट सिबलिंग है, तो राइट सिबलिंग से जो सी है वो वैल्यू नहीं ले सकता, इसीलिए वी डोंट इंक्लूड दिस काइंड ऑफ अ थिंग। अगर ऐसा आपको कहीं देखने को मिल जाता है सिमेंटिक एक्शंस में, सिमेंटिक रूल्स में, तो आप उसे एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी नहीं कह सकते, बिकॉज सी इज टेकिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम राइट सिबलिंग, बराबर है? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, सिमेंटिक एक्शन, सिमेंटिक एक्शन दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन कैसे है कि आपने प्रोडक्शन लिखे और उनके रिस्पेक्टिव जो सिमेंटिक एक्शन है वो आप ब्रैकेट्स में लिखते हो। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दोज सिमेंटिक एक्शंस? राइट मोस्ट पोजीशन, सबसे ज्यादा राइट मोस्ट पोजीशन में ही आपके जो सिमेंटिक एक्शंस है वो होंगे मेंशन्ड, बराबर। आरएचएस में तो होंगे, ऑब्वियस ही बात है आरएचएस में होंगे, लेकिन आरएचएस के भी राइट मोस्ट पोजीशन में, नॉट इन बिटवीन एनी ऑफ द नॉन टर्मिनल, नॉट एनीवेयर इन द आरएचएस, बट ओनली एट द स्पेसिफिक एंड ऑफ द आरएचएस, लाइक दिस। ये होंगे आपके सिमेंटिक एक्शंस की पोजीशन। और यहां पे क्या होगी सिमेंटिक एक्शंस की पोजीशन एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी में? यहां पे आप देखोगे तो ये जो प्रोडक्शन मैंने लिखा है, एक तो भैया वो After all the non-terminals, ये आपकी पोजिशन हो सकती है सिमेंटिक एक्शंस की, या फिर इन बिटवीन द टू नॉन टर्मिनल्स ऑफ द RHS, यहाँ पे आपकी पोजिशन हो सकती है, या फिर बिफोर ऑल द नॉन टर्मिनल्स ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो RHS में जो आपकी सिमेंटिक एक्शंस की जो पोजिशन है वो कहीं भी हो सकती है, इट कैन बी एनी वेयर इन द RHS। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये दोनों पार्सिंग तो हम लोग देख ही चुके हैं बराबर। ये क्या है? बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग यहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सो एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी को इवैल्यूएट करने के लिए हम यहां पे बॉटम अप पार्सिंग जो है वो यूज कर रहे हैं, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहां पे आप देखोगे इसका बिहेवियर, इफ यू सी द बिहेवियर, क्या है यहां पे बिहेवियर? जो ए है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट वी आर फॉलोइंग हियर, तो जो ए है वो कहां से वैल्यू ले रहा है? अपने चिल्ड्रन से वैल्यू ले रहा है। तो भाई पहले इनके पास तो वैल्यू होनी चाहिए बराबर, तो पहले इन्हें इवैल्यूएट करना जरूरी है, उसके बाद अपन ऊपर बढ़ते हैं बराबर। इसीलिए यहां बॉटम अप पार्सिंग जो है हम लोग पार्सिंग इंप्लीमेंट करते हैं टू इवैल्यूएट दिस काइंड ऑफ एसडीटी। और यहां पे क्या हो रहा है? डेप्थ फर्स्ट लेफ्ट टू राइट पार्सिंग टू इवैल्यूएट दिस रिस्पेक्टिव एसडीटी, ये हम लोग रिस्पेक्टिवली यहां पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है? बड़ा इजी सा काम है। ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो चलो मैंने सबसे पहले यहां पे सी पकड़ा था, तो चलो मैं यहां पे सी ही पकड़ता हूं, पहले तो सी ही पकड़ता हूं, ठीक है। तो शुरुआत कैसी होगी? ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, बराबर ऐसे हमें मूव करना है। तो मैं यहां से मूव कर रहा हूं, यहां से मूव कर रहा हूं, यहां से मूव कर रहा हूं, रुक गया, यहां रुक गया, सी पे रुक गया मैं। तो अभी आपने बिहेवियर क्या देखा कि भैया सी कैन टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स पेरेंट ए और द लेफ्ट सिबलिंग बी, बराबर। तो भाई इस पार्सिंग को अगर मैं फॉलो करता हूं, उस हिसाब से अगर मैं जाता हूं, तो मुझे ये दिख रहा है एज अ रिजल्ट कि भाई जब तक मैं सी तक पहुंच रहा हूं, ए और बी इवैल्यूएट हो चुके हैं, उनके वैल्यूज अवेलेबल है, तो फिर मैं उसके बाद सी के ऊपर जाऊंगा। और एक बार सी का हो गया, उसके बाद मैं डी के ऊपर जाऊंगा। अब डी किस किस से वैल्यू ले सकता है? उसके पेरेंट से वैल्यू ले सकता है, उसके दोनों जो लेफ्ट सिबलिंग्स है बी और सी, उनसे वैल्यू ले सकता है। और ये तीनों के तीनों जो है वो इवैल्यूएट हो चुके हैं बिकॉज वी फॉलोड दिस टाइप ऑफ पार्सिंग, और फाइनली वो रिटर्न करेगा टू द स्टार्टिंग सिंबल ए। इस तरीके की पार्सिंग जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है बराबर। तो दोस्तों मैंने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगा दिया आपको समझाने में कि भैया एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी क्या होता है, बेसिक के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन किया एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।